हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड टू इंग्लिश में यूनिट 5 चल रहा है हमारा। चारू गोज टू लाइब्रेरी, चारू लाइब्रेरी जाती है। वो हमने कल स्टार्ट किया था, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कराया था कि चारू को कोई बुक लेनी है तो वो लाइब्रेरी जाती है और लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, तो उसे उसकी पसंद की किताब ढूंढने में तकलीफ हो रही है। उसने मैडम को पूछा तो मैडम ने बोला कि क्या तुम ABC जानती हो, ABC द्वारा हम आसानी से वो बुक ढूंढ सकते हैं जो उसके उसको चाहिए। वो येलो ड्रैगन बुक है, वो उसको चाहिए। अभी मैं आगे से आपको पढ़ाऊंगी। चारू बोलती है, हाउ विल दिस कार्ड्स बी हेल्पफुल फॉर अस इन फाइंडिंग द बुक्स ऑफ माय चॉइस। वो कार्ड बनाए हुए है बुक्स के ऊपर, तो चारू पूछती है कि ये जो कार्ड है वो बुक्स ढूंढने में कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो लाइब्रेरियन बोलती है, इट इज़ वेरी सिंपल, कि बहुत ही सिंपल है। द कार्ड विद द नेम ऑफ योर बुक ऑल्सो हैज़ द नेम ऑफ द ऑथर एंड अ स्पेशल लेटर ऑन इट। जो कार्ड विद द नेम ऑफ योर बुक, तुम्हारी बुक के नाम का जो कार्ड है वो हैज़ द नेम ऑफ द ऑथर, उस पर ऑथर का नाम भी लिखा हुआ, उसको लेखक का नाम भी लिखा हुआ है उस पर, बराबर। वो स्पेशल एंड अ स्पेशल लेटर ऑन इट, और उस पर एक खास प्रकार का लेटर अक्षर भी लिखा हुआ है कि तुम्हारी बुक का जो नाम है उस पर उसके ऑथर का नाम है यानी लेखक का नाम है और खास प्रकार का अक्षर लिखा हुआ है। एंड द बुक यू वांट शोज द सेम लेटर एंड नेम्स। जो बुक आपको चाहिए वो वही अक्षर और लेटर की होगी, ठीक है। हियर RTS, योर बुक मस्ट बी ऑन वन ऑफ दीज सेल्स। इधर T लिखा है तो TS लिखा है, तो तुम्हारी जो बुक हो वो इधर ही उस सेल्फ के ऊपर ही होनी चाहिए। चारू, आई हैव गॉट इट, चारू ने बोला मुझे वो मिल गई, वो बुक मुझे मिल गई। मैम रियली इट इज़ वेरी इजी, मैम रियली ये तो बहुत ही इजी है। लाइब्रेरियन, कम टू द रिसेप्शन विथ योर बुक टू गेट इट इश्यूड। लाइब्रेरी ने बोला कि तुम्हारी बुक लेके तुम अभी इधर रिसेप्शन पे आओ, क्योंकि उसको इश्यू करनी होगी। वो बुक कौन सी है वो उसके बारे में लिखना होगा। आई विल राइट द नेम ऑफ द बुक एंड द डेट इन द रजिस्टर सो दैट आई विल रिमेंबर द डेट व्हेन यू बोरोड दिस बुक। मुझे वो बुक के बारे में लिखना होगा कि वो आज की तारीख लिखनी होगी, उस बुक का नाम लिखना होगा और उस पर वो जो लेटर है उसका भी नाम लिखना होता है कि जिससे मुझे याद रह सके कि वो बुक मैंने कब तुमने कब बोरो करी थी। वो बुक तुमने कब बोरो करी थी वो लिखना होगा, ठीक है। आगे चारो, विल आई हैव टू शो यू माई लाइब्रेरी कार्ड बिफोर यू गिव मी द बुक। चारू कहती है कि मुझे आप जो मुझे बुक देते हो उससे पहले मुझे आपको लाइब्रेरी कार्ड बताना होगा। लाइब्रेरी कार्ड मेरा जो है वो आपको बताना होगा, मैं बुक लूँ उससे पहले। लाइब्रेरी बोलती है कि हाँ तुम्हें वो कार्ड बताना होगा, यू शुड, तुम्हें बताना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टैम्प द डेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्लिप पेस्टेड इन योर बुक। अब मैं आपको डेट जिस पे लिखी है बुक के ऊपर एक स्लिप है उस पे मैं आपको डेट वाला स्टैंप लगाऊंगी उस पे डेट लिखूंगी, ठीक है। चारू, थैंक यू मैम, चारू कहती है थैंक यू मैम, आई विल रिटर्न द बुक बिफोर द डेट ऑफ रिटर्न। मैं जब ये बुक रिटर्न करने की है उस
उस डेट से पहले ही मैं आपको बुक रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, जब हम बुक लेते हैं तो कितने दिन कब रिटर्न करनी है वो भी उसमें लिखा होता है। ठीक है, अमुक थोड़े दिनों की अवधि होती है उसमें ये बुक रिटर्न करने की होती है, तो वो मैं उससे पहले ही मैं रिटर्न कर दूंगी। गुड डे मैम, कहती है कि गुड डे मैम, लाइब्रेरियन भी कहती है गुड डे चारू, चारू गुड डे, ऐसा लाइब्रेरियन कहती है। और इस तरह से चारू बुक लेके जाती है और पढ़ती है। ठीक है, हमें भी ऐसे लाइब्रेरी की कभी विजिट करनी चाहिए, उसमें कैसे 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 काम होता है वो हमें देखना चाहिए। कभी कभी हम लाइब्रेरी में जाए गए कभी जाए तो तुम देखोगे कि कितनी चेयर पड़ी है, टेबल है, कितने सारे शेल्फ्स है, उस पर बुक्स होती है, कई बुक्स ढूंढ रहे होते हैं तो कई बुक्स पढ़ रहे होते हैं। न्यूज़पेपर भी हम लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर भी बैठ के पढ़ते, मैगजीन पढ़ सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में शांति से पढ़ते हैं, उससे हमें पढ़ने की भी मज़ा आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।